आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हमारा क्वेश्चन है, हामिद हैज 3 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। बॉक्स ए वेज 2.5 केजी मोर देन बॉक्स बी एंड बॉक्स सी वेज 10 1/4 केजी मोर देन बॉक्स बी। द टोटल वेट ऑफ द बॉक्सेस इज 48 3/4। हाउ मेनी केजी डस बॉक्स ए वे? यानी कि हमें 3 बॉक्स दे रखे हैं ए बी सी और उसमें इनकी वेट की कंडीशंस दे रखी है और तीनों बॉक्स का कंबाइंड वेट दे रखा है और हमसे कहा गया है बॉक्स ए का वेट निकालो। तो हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी? हमारी क्वेश्चन बनेगी, सबसे पहले क्या दिया है, ये दिया है कि बॉक्स ए का जो वेट है वो 2.5 केजी ज़्यादा है बॉक्स बी से। तो ए क्या हो जाएगा हमारा वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए, इसको ए अज्यूम कर लो, वेट ऑफ बी को बी अज्यूम कर लो और वेट ऑफ सी को सी अज्यूम कर लो। तो कंडीशंस क्या दे रखी हैं हमें? हमें ये कंडीशंस दे रखी हैं दैट ए इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस बी एंड सी इज इक्वल्स टू 10 1/4 प्लस बी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 48 3/4। ठीक है, तो अब हम इसमें 1 और 2 से वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस बी प्लस बी प्लस 10 1/4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 48 3/4। तो ये हमारा हो जाएगा, तीनों बी को ऐड कर देते हैं और बाकी सब राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 48 3/4 माइनस 2.5 माइनस 10 1/4। ठीक है, अब हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को खोल के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 3/4 माइनस 2 प्लस हाफ, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, माइनस 10 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 48 माइनस 2 माइनस 10 प्लस 3/4 माइनस हाफ माइनस 1/4। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 48 माइनस 2 46 माइनस 10 36। ठीक है, और नाउ 3/4 माइनस 1/4 क्या होगा? 2/4 होगा। तो 2/4 माइनस हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 2/4 जो होता है वो हाफ माइनस हाफ होगा, तो ये कैंसिल 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? हमारे पास आ गया 3b इज इक्वल्स टू 36। तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू 12 आ गई। जब b की वैल्यू 12 आ गई, हमें क्या पूछा था? ए की वैल्यू निकालनी थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ए वॉज 2.5 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस हाफ प्लस 12, तो ये हो जाएगा 14 प्लस हाफ। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 14 1/2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।